एक्शन, क्राइम, रोमांस, हर जॉनरा की कॉमन स्टोरीज देख देख कर हम पक चुके हैं। अब तो भैया कुछ ऐसा कंटाप माल चाहिए जो ना किसी ने सुना हो और ना किसी ने इमेजिन किया हो। एक ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट जो दिल दिमाग सब कुछ हिला दे और सुपर से भी ऊपर लेवल का एंटरटेनमेंट ऑफर करे। तो आज का ये स्पेशल वीडियो ऐसी ही बाप लेवल एंटरटेनर्स को डेडिकेटेड है और आज हम कवर करेंगे टॉप 7 सुपर यूनिक कॉन्सेप्ट वेब सीरीज दैट विल ब्लो योर माइंड। ऐसी कड़क वेब सीरीज जो हमारी इमेजिनेशन से भी कई गुना आगे की स्टोरी और कॉन्सेप्ट दिखाती हो वो सब इस वीडियो में मिलेगी। तो दिल थाम के बैठिए वीडियो के एंड तक क्योंकि बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। You have 7 other selves now. You can access each other's knowledge, language, skills. नंबर 7 पर एक ऐसी स्टीम पंक फ्यूचरिस्टिक साइफाई सीरीज है जिसका नाम तो सबने सुना होगा लेकिन इसकी स्टोरी का जो यूनिक लेवल है ना उसके बारे में हम में से किसी ने कभी भी सोचा भी ना होगा। भाई मैं बात कर रहा हूँ 2018 में शुरू हुई सीरीज एल्टर्ड कार्बन की, जो एक ऐसे फ्यूचर में अपनी कहानी दिखाती है जहाँ पे किसी को भी परमानेंटली मारने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारी की सारी मेमोरीज एक इंसान की एक चिप में स्टोर की जाती है और वो चिप किसी भी बॉडी में डाली जा सकती है। अब इसी फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड में हम एक पुराने वॉरियर की स्टोरी देखते हैं जिसे एक अमीर आदमी के मर्डर को सॉल्व करने के लिए रखा गया है, हायर किया गया है। अब यार इस सीरीज की सबसे बड़ी कमजोरी रहा है इसका दूसरा सीजन। इसका ये सेकंड सीजन थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था लेकिन जो इसका पहला सीजन है वो एकदम परफेक्ट है और मैं यहाँ वही परफेक्ट सीजन तुम्हें रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि इस सीजन में देखने को मिलेगा फाड़ू एक्शन, बवाल विजुअल्स, ग्रेट कैरेक्टर्स और एक यूनिक स्टोरी। तो इस अतरंगी साइफाई शो एल्टर्ड कार्बन को तुम नेटफ्लिक्स पर हिंदी में एंजॉय कर सकते हो। You are the property of Bancroft Industries. You've been provided with this body, which came equipped with military-grade neurochem and combat muscle memory. नंबर 6 पर एक बहुत ही फैंटास्टिकल डार्क कॉमेडी सीरीज है जो आपको बहुत ही वियर्ड विलन्स की और उनसे भी एक लेवल ऊपर आने वाले अपने वियर्ड हीरो की स्टोरी दिखाएगी। 2017 में रिलीज हुई सीरीज हैप्पी एक फॉर्मर पुलिसमैन है जो अब एक हिटमैन की तरह काम करता है लेकिन जब उसे अचानक से एक छोटा सा ब्लू हॉर्स दिखने लगता है तब हीरो की ये वियर्ड लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाती है और उससे अपनी लाइफ में एक पर्पस मिल जाता है। यहाँ से सीरीज एकदम ही अलग लेवल पर पहुंच जाती है। अब कमी बस इस सीरीज में यही रही कि इसे 2 सीजन के बाद कैंसिल कर दिया गया था और इसका सेकेंड सीजन थोड़ा सा डिसअपॉइंट भी करता है लेकिन ये सीरीज अपने मेमोरेबल क्वर्की और एंटरटेनिंग कैरेक्टर्स की वजह से अपनी एक भी वीकनेस फील नहीं होने देती है और ऊपर से इसका हीरो तो अजीब है ही, इसके विलन्स और भी ज्यादा गूफी और डार्क हैं जो आपको काफी थ्रिलिंग फील देने वाले हैं। तो अगर इस फैंटेसी राइड पर तुम भी जाना चाहते हो तो अभी जाके हैप्पी को नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में एंजॉय करो। Morning to you, partner! We're getting our act together, Nick. No more drinking. No more whoring. No more filling chumps full of hot lead. नंबर 5 पर एक बहुत ही यूनिक और एंटरटेनिंग सीरीज है जिसमें आपको टाइम ट्रेवल से लेकर किस्मत के खेल तक सब कुछ देखने को मिलेगा। 2016 में शुरू हुई मिस्ट्री फैंटेसी सीरीज डर्क जेंटलीज होलिस्टिक डिटेक्टिव एजेंसी हमें एक डाउन ऑन हिज लक आदमी की कहानी दिखाती है जिसके पीछे एक वियर्ड आदमी पड़ जाता है जो खुद को एक होलिस्टिक डिटेक्टिव कहता है। अब होलिस्टिक डिटेक्टिव का मतलब है कि वो क्लूज को नहीं ढूंढता बल्कि दुनिया ही खुद उसको क्लूज ला के देती है और अब ये दोनों एक टीनेज लड़की की किडनैपिंग सॉल्व करने की कोशिश करने में लग जाते हैं। अब अगर तुम ये सोच रहे हो कि सिंपल सी कहानी में क्या ही यूनिक होगा तो तुम बिल्कुल गलत हो क्योंकि ये ना सुनने में नहीं बल्कि देखने में बहुत ज्यादा यूनिक सीरीज है। बस इसकी कमजोरी यही रही है कि इसे भी सेकंड सीजन के बाद कैंसिल कर दिया गया था लेकिन इसकी मेन स्टोरी फिर भी लगभग खत्म हो ही जाती है। तो चिंता मत करो, ये सीरीज सही से काम करती है एंड एंटरटेनिंग फील भी होती है और इसके ब्रिलियंट एक्टर्स और एक काफी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी जो इजी टू फॉलो फील होती है इसे देखकर तुम्हें मजा आ जाएगा। तो भाई ये यूनिक सीरीज तुम नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश में एंजॉय कर सकते हो। नंबर 4 पर एक ऐसी साइफाई फैंटेसी सीरीज है जो अपनी कहानी को पूरी दुनिया भर में फैला देती है और फिर एक बहुत ही एंटरटेनिंग तरीके से उसे एक साथ लाकर हमें एंटरटेन करती है। 2015 में रिलीज हुई सीरीज सेंस 8, भाई इसमें हम देखते हैं 8 डिफरेंट लोगों की कहानी जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से कनेक्टेड है क्योंकि वो एक दूसरे की फीलिंग्स फील कर सकते हैं, एक दूसरे के विजन्स भी देख सकते हैं। अब एक डेडली ऑर्गेनाइजेशन है जो हाथ धोकर इन लोगों के पीछे पड़ी है तो इसका मतलब इस सीरीज में भैया एक्शन एडवेंचर तो भर भर के मिलने वाला है। अब सेंस 8 की स्टोरी काफी यूनिक तो है लेकिन वो बहुत इजीली बोरिंग और कॉम्प्लिकेटेड हो सकती थी लेकिन इसकी इंटेंस स्टोरी लाइन और उसको सपोर्ट करते हुए लाजवाब परफॉर्मेंसेज इस सीरीज को एकदम मस्ट वॉच बना देते हैं। अब इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं और उन सब की बैक स्टोरी और मोटिवेशंस भी देखने को मिलते हैं जो इस सीरीज को इसके हाई कॉन्सेप्ट के बावजूद भी काफी रिलेटेबल बना देते हैं। तो ये सुपर यूनिक साइफाई सीरीज नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश में अवेलेबल है।
नंबर तीन पर है एक फैंटेसी कॉमेडी सीरीज जो आपको हेवन और हेल के कॉन्सेप्ट के साथ एक बहुत ही यूनिक और फनी स्टोरी दिखाने वाली है। 2016 में शुरू हुई सीरीज द गुड प्लेस भाई ये हमें एक सेल्स वुमन की कहानी दिखाती है जो अपनी लाइफ में काफी बुरे काम करने के बाद मर जाती है और उठने के बाद वो खुद को हेवन में पाती है। अब उसे लगता है कि वो यहां गलती से पहुंच गई है तो वो अपनी रियल आइडेंटिटी छुपा के वहीं रहने की कोशिश करती है, लेकिन अब सच में सच्चाई क्या है वो तो उसके झूठ से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और फनी है। अब देखो ये एक फील गुड कॉमेडी सीरीज है तो इसका हाई कॉन्सेप्ट भी काफी इजी टू अंडरस्टैंड है एंड इसका हर एक कैरेक्टर भी काफी लवेबल है और ये चीज द गुड प्लेस को और भी ज्यादा एंटरटेनिंग बनाती है। अब मेरा इस सीरीज को रिकमेंड करने के पीछे सबसे बड़ा कारण है इसके गुड एंड बैड कर्मों को हैंडल करने का तरीका जो काफी फैसिनेटिंग है और रियल भी फील होता है। तो इसे एकदम यूनिक और एकदम अननोटिस्ड सीरीज को नेटफ्लिक्स पर जाकर तुम इंग्लिश में एंजॉय कर सकते हो। नंबर दो पर है एक फैंटेसी एडवेंचर सीरीज जो हमें हेवन या हेल में नहीं बल्कि अर्थ पे ही एक डीमन और एक एंजल की स्वीट फ्रेंडशिप को दिखाती है। 2019 में रिलीज हुई सीरीज गुड ओमेंस भाई ये इंटरेस्टिंग सीरीज हमें डीमन क्रोली और एंजल अजीराफेल की स्टोरी दिखाती है जिनकी ड्यूटी काफी टाइम से अर्थ पर लगी हुई है और वो एक दूसरे के दोस्त बन चुके हैं, लेकिन जब हेवन एंड हेल एक बार फिर से वॉर पे जाने की बात करते हैं तो उन्हें उस वॉर से अर्थ को बचाने के लिए एक बहुत ही डेंजरस और यूनिक एडवेंचर पर जाना पड़ता है जिसमें उनका साथ दे रहे हैं कुछ बहुत ही वियर्ड ह्यूमंस। गुड ओमेंस की स्टोरी काफी एंटरटेनिंग एंड फनी तो है, लेकिन इस सीरीज को फैन फेवरेट बनाते हैं इसके दो मेन कैरेक्टर्स और उनमें जान डालते हैं लीड एक्टर्स जिन्होंने इन दोनों मिस्टिकल कैरेक्टर्स को भी काफी ह्यूमन लाइक परफॉर्मेंस देके रिलेटेबल और लवेबल बनाया है। तो अगर फैंटेसी फन एडवेंचर सब कुछ एक साथ एंजॉय करना है तो फिर गुड ओमेंस बेस्ट चॉइस है। अभी प्राइम वीडियो पर ये हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम सभी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। नंबर एक पर ऐसी कोरियन सीरीज है जिसने पूरी की पूरी दुनिया को अपना फैन बना लिया था अपने यूनिक एंड थ्रिलिंग कॉन्सेप्ट और उसके ब्रिलियंट एग्जीक्यूशन की वजह से। 2021 में रिलीज हुई रिकॉर्ड ब्रेकिंग सीरीज स्क्विड गेम। एक कॉमन मैन अपने हैवी लोन को उतारने के लिए एक मिस्टीरियस गेम का हिस्सा बन जाता है। अब कहने को तो ये बच्चों वाले गेम्स है, लेकिन यहां हारने पर सीधा मौत मिलेगी। अब अगर वो जीतता है तो वो बहुत ज्यादा अमीर बन सकता है, लेकिन अगर वो हार गया तो उसे मरना होगा, अपनी जान से हाथ धोना होगा। अब देखो स्क्विड गेम की स्टोरी काफी बकवास हो सकती थी अगर इसके यूनिक कॉन्सेप्ट को सही से एग्जीक्यूट ना किया जाता तो। वर्चुअली तो ये एकदम परफेक्ट है क्योंकि इसकी परफॉर्मेंसेज लाजवाब है, इसके सेट्स भी बिलीवेबल और इमर्सिव है, इसकी स्टोरी काफी डार्क है और कुछ मोमेंट्स पर रिलेटेबल भी है। लेकिन स्क्विड गेम की सबसे खास बात है कि ये सीरीज बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग है। एक बार शुरू करने के बाद लास्ट एपिसोड खत्म किए बिना तुम अपनी जगह से उठ भी नहीं पाओगे। तो अगर अब तक ये सुपर यूनिक और अमेजिंग सीरीज तुमने नहीं देखी है तो अभी जाके इसे देखो। नेटफ्लिक्स पर ये हिंदी, तमिल, तेलुगु सभी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो ये है वो सुपर यूनिक कॉन्सेप्ट सीरीज जो एकदम अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस है। अगर सच में सच्चे मूवी फैन होना तो फिर इन सभी शोज को ट्राई करना तो बनता है। अब इनमें से कौन सी सीरीज तुम ऑलरेडी देख चुके हो कमेंट्स में बताओ। ऐसी ही सुपर यूनिक और एकदम कड़क एंटरटेनर्स हमेशा एंजॉय करनी है तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जाने से पहले वीडियो को लाइक करना और अपने ट्रू मूवी लवर फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करना। अब इसी के साथ एकदम अतरंगी सुपर यूनिक कॉन्सेप्ट वाली कड़क मूवीज एंजॉय करनी है तो लेफ्ट वाला वीडियो देखो। तो बस आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे एक और कड़क वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।